आपने कहा था कि आप दोनों ही बचपन में आर्मी में जाना चाहते थे, फिर जी। कब देखा आप लोगों ने यह सपना और कैसे फिर विक्रम का यह सपना पूरा हुआ? तो 1987 में एक बहुत फेमस सीरियल आया करता था, परमवीर चक्र, राइट। हम दोनों में, हम 7th या 8th क्लास में होते थे और हमारे घर में टीवी नहीं हुआ करता था, हम किसी पड़ोसी के घर पे जाके टीवी देखते थे। और जब उन दिनों में जब सीरियल आता था तो जो जितने भी परमवीर चक्र थे उनकी जब हम स्टोरी सुना करते थे, तो वहीं से हमारा पहला सपना हुआ था कि जो जिसको कहते हैं ना, सपने की नींव डली थी कि कि वी वुड लाइक टू डू समथिंग डिफरेंट फॉर द कंट्री एंड वी विल चूज आर्मी एज अ करियर। और उसके बाद ऐसा हुआ कि जब हमने स्कूल में एडमिशन लिया और जब हम मिडिल स्कूल में थे, तो इंसिडेंटली हमारा जो स्कूल था इट वॉज इन साइड द आर्मी कैंटोनमेंट। तो हमारा जितना भी फ्रेंड सर्कल बना वो सब आर्मी के ही बैकग्राउंड के स्टूडेंट्स हुआ करते थे, और जो पूरा स्कूल था वो, जैसे मैंने बताया कि आर्मी कैंटोनमेंट में था, तो जब देखो हमें, वी ऑलवेज यूज टू सी ओनली मैन इन द यूनिफॉर्म, हमको ऑलिव ग्रीन कलर के सिवाय कोई कलर दूसरा दिखता ही नहीं था। और वहीं से हमारा वो पैशन इतना ज्यादा बढ़ गया, और जब हम डिटेल में, जब हमको पता लगा कि हमारे फ्रेंड्स बने आर्मी से, कि द क्वालिटी ऑफ लाइफ व्हाट आर्मी गिव्स इज ब्यूटीफुल, इट इज वंडरफुल, आपको बहुत अपॉर्चुनिटी मिलती है अगर आप स्पोर्ट्स में बहुत अच्छे हैं। अगर आप आज की डेट में भी देखेंगे, वेदर यू लुक एट द एशियन गेम्स, यू लुक एट ओलंपिक्स या कॉमनवेल्थ, कितने सारे मेडल होते हैं जो सिर्फ आर्मी के ही जो सोल्जर्स होते हैं वो लेकर आते हैं, या आर्मी के ऑफिसर्स लेकर आते हैं। तो जब हमको पूरा एनवायरमेंट उनका ऐसा लगा इन टर्म्स ऑफ क्वालिटी ऑफ लाइफ व्हाट वांट्स टू लीड, उसी से हमारा पैशन जोड़ा एंड वी डिसाइडेड बोथ विल गो फॉर द फोर्सेस। और जब हम डीएवी कॉलेज चंडीगढ़ में आए पढ़ने, तो विक्रम ने 1995-96 में अपना फर्स्ट एसएसबी भी क्लियर किया, मैं उनके साथ ही गया था बट एसएसबी के लिए, बट अनफॉर्चुनेटली आई वाज नॉट रिकमेंडेड। फिर मैंने दूसरी बार ट्राई किया, नहीं हुआ, तीसरी बार ट्राई किया हुआ, तो 3 बार मैंने भी ट्राई किया बट आई वॉज नॉट रिकमेंडेड बाय द बोर्ड, एंड विक्रम अपने पहले अटेम्प्ट में निकल गए थे। वहीं से हमारी शुरुआत हुई, एंड विक्रम मेड इट इन 96-97 एंड आई ऑप्टेड फॉर अ करियर इन अ प्राइवेट सेक्टर।